वेलकम टू सी आर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, देखिए टुडे वी विल डिस्कस लेसन नंबर 9, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल। मैंने कहा कि वेरी इंपॉर्टेंट लेसन आपका बेस है जर्नल, और जर्नल के इलस्ट्रेशन आपके टॉपिक में चल रहे हैं। हमने कितने इलस्ट्रेशन किए हैं? आई होप दैट हमने 8 इलस्ट्रेशन कंटिन्यूटी किए हैं, 1 to 8। ओके, और आप आई होप दैट आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे, और बी प्रैक्टिस अच्छी तरह कीजिए, क्योंकि जनरल वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज हम 3-2 इलस्ट्रेशन करेंगे, और तीसरा जो मेन पॉइंट है, अब तक आपने सुना होगा कि हमारी जो ट्रांजेक्शन हो रही है ज़्यादातर कैश रिलेटेड हो रही है। अब देखिए, मैंने कहा था कि हमारा डिजिटल इंडिया कैशलेस इंडिया है, तो ज़्यादातर जो ट्रांजेक्शन होती है हमारी बैंक से रिलेटेड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होती है। तो बैंक की जो ट्रांजेक्शन होती है, बैंक के माध्यम से जो हम ट्रांजेक्शन करते हैं, जो चेक के सिस्टम से हम ट्रांजेक्शन करते हैं, तो इस प्रकार से बैंक वर्ड का यूज़ आज हम जनरल एंट्री बैंक रिलेटेड बहुत ही ईजियर समझाऊंगा मैं आपको, कैसे बैंक से रिलेटेड एंट्री, कोई रट्टाफिकेशन नहीं है उसको, सो ईजियर कंसेप्ट में मैं आपको बहुत अच्छी तरह से कि आखिर क्यों बैंक वर्ड यूज़ किया जाता है, कैश की जगह बैंक क्यों लिख देते हैं, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे आज। तो बैंक रिगार्डिंग एंट्री, और उससे पहले हम 2 इलस्ट्रेशन लेके चल रहे हैं। देखिए सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर, आई होप दैट हम इलस्ट्रेशन नंबर 10 ले रहे हैं। 10 इलस्ट्रेशन क्या है? देखिए, कुछ पेमेंट नगद आ रही है, कुछ उधार है। जो डिस्काउंट अलाउड होगा, नोट कर लेना, वो कैश पेमेंट पे होता है, उधार पर कोई डिस्काउंट अलाउड नहीं होता है। ट्रेड डिस्काउंट की तो हम एंट्री नहीं करते हैं, हम अपनी पेमेंट लेने के लिए डिस्काउंट अलाउड करते हैं और डिस्काउंट रिसीव्ड करते हैं। ओके, तो देखिए क्वेश्चंस में क्या है। सबसे पहले जर्नल का फॉर्मेट, जर्नल फॉर्मेट आपको आई होप दैट बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। दिस इज योर डेट पर्टिकुलर विवरण LF लेजर वॉल्यूम, दिस साइड इज द डेबिट एंड दिस साइड इज द क्रेडिट, AMT अमाउंट एंड दिस इज द इंडियन रूपी। ओके, तो ये फॉर्मेट था, और ऊपर वर्ड ये लिख देंगे जर्नल। फॉर्मेट को आप बहुत अच्छी तरह समझ में होंगे, जर्नल का फॉर्मेट डेट पर्टिकुलर LF डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, अब हम देखिए क्या है। सोल्ड गुड्स टू हर्ष को माल बेचा 50,000 का, 50,000 का जब माल बेचा तो उसके ऊपर 20% की ट्रेड डिस्काउंट थी। एक वर्किंग नोट बनाते हैं, चलो साइड में वर्किंग नोट। 50,000 का माल बेचा, 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो माल कितने का बचगा? 40,000 का। 40,000 में 40% की पेमेंट यहां पर क्या हुआ, 40,000 में से 5% डिस्काउंट देगा अगर हर्ष पेड कर देगा, कितना अमाउंट? 40%। 40,000 का 40% होता है 16,000, तो 60% अमाउंट अभी उसने नहीं दिया है। 16,000 पे हमने उसको कितना डिस्काउंट दिया? 5%। 16,000 का 5% होता है 800 रुपये, वो हमें कितना रुपए देगा? 15,200, बताओ आए नहीं समझ में। और उसने क्या दिया? चेक दिया, और हमने चेक बैंक में सेम डे डिपॉजिट कर दिया। इसलिए मैं वर्ड यूज क्या कर रहा हूं, ध्यान देना, बैंक अकाउंट डेबिट, मुझे रुपए मिले 15,200, नुकसान कितना हुआ बताइए? डिस्काउंट अलाउड 800 रुपये, और बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट, और माल किसने लिया? हर्ष ने। हर्ष डेबिट और टू सेल, कितना माल था? अभी आपको बताया था कि 60% अमाउंट उसने नहीं दिया। इसका जोड़ क्या आना चाहिए सर? 40,000। माल तो 40,000 का बिका था, क्योंकि 50,000 के माल में 20% की ट्रेड डिस्काउंट थी, ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती है, तो दिस इज द 40,000। 40% अमाउंट की पेमेंट हो चुकी है, तो 60% अभी नहीं है। हर्ष देगा टू सेल, 40,000 का माल बिका। ओके, दूसरी एंट्री क्या है? कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, ब्याप ऑफ द श्याम, हम श्याम के रुपए मांगते थे। अब देखिए, आप जैसे उदाहरण के लिए आप मिस्टर एक्स हैं,
आपने दुकान से माल खरीदा 5,000 रुपये का, आप उस दिन नहीं जा पाए, आपने वाई को 5,000 रुपये दे दिए और कहा कि उस कैंडिडेट को आप दे दीजिए, तो किसके पैसे काटेगा? सर हमारे खाते से काटेगा, क्योंकि उधार माल तो हमने खरीदा था, वाई तो मात्र देने वाला था, बिहाफ ऑफ एक्स, वाई ने पेमेंट के बिहाफ ऑफ दो, तो यहां पर जो पेमेंट हुई है उससे मतलब नहीं है, हमें शाम के पैसे मांगते थे केवल, तो राम तो देने वाला है, तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम, कितना अमाउंट था? दिस इज द अमाउंट इज द 5,000, ओके, टोटल 45,000 and 45,000, आई होप दैट क्लैरिफाइड योर क्वेश्चंस। दो ही एंट्री थी जनरल की, इलेक्शन नंबर 10 था जिसमें बैंक वर्ड क्यों यूज किया, बैंक वर्ड यूज करने के पीछे मैं बता रहा हूं, दिस इज द रिसीव्ड बाय चेक, और हमने माना कि चेक सेम डे बैंक में डिपॉजिट होगा, तो इसलिए वर्ड यूज किया हमने बैंक, ओके। नेक्स्ट इलेक्शन नंबर 10 के बाद हम कर रहे हैं नेक्स्ट इलेक्शन, इलेक्शन नंबर 12, ध्यान से देखिए, इलेक्शन नंबर 12, 12th इलेक्शन में क्या दे रखा है? 1, 5, 17, 24 और 26 फरवरी को हमारी ट्रांजैक्शन हुई, डेट पर्टिकुलर LF एंड डेबिट, दिस इज द डेट फैब, जो भी हुई है 1, 5, 17 जो भी डेट वो पर्टिकुलर आप राइट डाउन करते रहिए, पर्टिकुलर एंड LF लेजर पोलियो प्रश्न संख्या होती है, ये ब्लैंक्स होता है, डेबिट AMT इज रुपीज एंड क्रेडिट AMT आल्सो रुपीज, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द जर्नल। 1 फरवरी को क्या हुआ? स्टार्टेड बिजनेस, बिजनेस शुरू किया, पहली एंट्री थी, कैश लगा रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और बिल्डिंग लगाता है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और स्टॉक लगाता है तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, डेटर लगाता है डेटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, जो भी आ रहा है डेबिट व्हाट कम्स इन, आपके पास क्या आया? हमारे पास आया कैश अकाउंट डेबिट फर्स्ट, सेकेंड क्या आ रहा है? बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट, फिर क्या आ रहा है? बिल्डिंग, बिल्डिंग आल्सो डेबिट और टू कैपिटल अकाउंट, कितना कितना आया अमाउंट? 50, 4.5 लाख, 20 लाख, 50,000, 4.5 लाख रुपए और 20 लाख रुपए, 20 और 5 आपकी जेब में आ गए 25 लाख रुपए, और बिजनेस सेटल्ड हो गया। देखिए बिजनेसमैन और बिजनेस की पुस्तक अलग होती है, बिजनेसमैन ने पैसे दिए बिजनेस में लगाए, तो बिजनेस की पुस्तक में एंट्री हो रही है आपके, बिजनेस में कैश आया डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक आया 4,50,000, बिल्डिंग आई 20 लाख की, तो कैपिटल कितनी लगी? 25 लाख से उसने अपना बिजनेस सेटल्ड कर दिया। इसके बाद अब क्या है? परचेज गुड्स फ्रॉम मनोहर लाल, मनोहर लाल से 50,000 का माल 46,000 में खरीदा, नोट करना, 50,000 का माल 46,000 ट्रेड डिस्काउंट दी उसने, 4,000 रुपये की, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होगी, तो एंट्री कितनी होगी? ओनली 46,000 की। और आपको बताया था परचेज अकाउंट हमेशा क्या होता है, परचेज अकाउंट डेबिट सर टू, हमने क्या खरीदा? उधार या नगद? उधार खरीदेंगे तो उसका नाम लिखेंगे, और नगद खरीदा है तो उसका नाम, टू मनोहर लाल। आप देखिए मनोहर लाल में अकाउंट वर्ड यूज नहीं है क्योंकि पर्सनल है, कितने खरीदा? 46,000, ओके, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट एंट्री, उसके बाद 17 तारीख को परचेज गुड्स कॉस्टिंग 1,00,000 की खरीदी फ्रॉम साहिल एंड कंपनी, 60% पेड इमीडिएटली बाई चेक एंड द अवेल 5% डिस्काउंट। देखिए वर्किंग नोट बना लेते, 1,00,000 का माल खरीदा, 60% की पेमेंट इमीडिएटली कर दी, 60% कितना होता है? 60,000, तो कितने की नहीं करी? 40,000 की, हमें 60,000 कितना डिस्काउंट दे रहा है? 5%, 60,000 का 5% होता है 3,000, 3,000 का फायदा होगा तो पेमेंट कितने की होगी? 57,000 की। अरे अंडरस्टूड है, तो देखिए हमने माल खरीदा
एक लाख का, एक लाख में 60% की पेमेंट होगी, 40% की नहीं हुई है, तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, मैंने खरीदा एक लाख का माल, टू चेक से पेमेंट किया है तो टू बैंक 57,000, डिस्काउंट रिसीव्ड मुझे फायदा कितना हुआ 3,000 का, और 40,000 अभी मैंने दिया ही नहीं है, किसको देना है, साहिल एंड कंपनी, कितना है भैया 40,000 जोड़ 25 और 1 26, 26,46,000 CF कैरी फॉरवर्ड 26,46,000। एक बार रिपीट फिर कर देता हूँ, ध्यान से देखिए प्लीज। एक फैब को उन्होंने अपना बिजनेस सेटल्ड किया है, कैश लगाए उन्होंने 50,000 रुपये, बैंक में 4,500 रुपये और बिल्डिंग आई है 20,00,000 रुपये की, टोटल अमाउंट कितना रिसीव्ड होगा 25,00,000 रुपीज। परचेज अकाउंट डेबिट टू मनोहर लाल, 50 का माल 40 में खरीदा 46,000। नेक्स्ट परचेज अकाउंट डेबिट माल खरीदा 1,00,000 का, जिसमें हमने पेमेंट 60% कर दी 60,000, और 60,000 में कहा 5% की डिस्काउंट लेंगे तो 3,000 में फायदा होगा, तो पेमेंट 57,000 की, और 40,000 रुपये अभी भी वो साइलेंट कंपनी हमसे मांग रहा है। ओके, तो दिस इज योर एंट्रीज। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट तारीख को क्या एंट्री हुई, सीएफ को क्या बनाते हैं, कैरी फॉरवर्ड इज द ब्रॉड फॉरवर्ड, बी एफ ब्रॉड फॉरवर्ड, यहां से लाइन खींची और यहां अमाउंट लिख दिया 26,40,000, 26,40,000। ओके, अब नेक्स्ट एंट्री क्या है, सोल्ड गुड्स टू किशोर एंड कंपनी, द लिस्ट प्राइस 40,000 30,000, हमने बेचा 40 का 38 में तो 38,000 रुपये, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होगी, सेल क्रेडिट होता है, दे रहा किसको, किशोर एंड कंपनी, डेबिट टू सेल अकाउंट, कितने का बेचा आपने किशोर एंड कंपनी को, 38,000। ओके, नेक्स्ट और लास्ट एंट्री, हमने माल किसको बेचा, सोल्ड गुड्स द कनिका एंड कंपनी, गुड्स कॉस्टिंग 1,00,000, 20% का प्रॉफिट, देखो अब वर्किंग नोट बनाते हैं इसका, 1,00,000 के माल पर 20% का प्रॉफिट कमाया, तो माल बेचा आपने 1,20,000 का, नोट करना, 1/20 पर 10% ट्रेड डिस्काउंट 12,000, तो आपका माल कितने का बचा बताओ, 1,08,000 का, 1,08,000 में उसने क्या कहा है, मे बी दैट 5% कैश डिस्काउंट, अगर 40% अमाउंट की पेमेंट इमीडिएटली हो जाती है, कितने की पेमेंट होगी, द मेड 40% पेमेंट मे बी इमीडिएटली, 1,08,000 का 40% करिए, 40% 1,08,000 का, 4×8=33,243,200 रुपये की, तो 60% की पेमेंट नहीं हुई, 6×8=48,64,800 की, दोनों का जोड़ी आता है 8×2=10,34,76×6×10, ये अमाउंट की पेमेंट हुई, इस पर ये डिस्काउंट दे रहा है, कितना अलाउड कर रहा है डिस्काउंट, डिस्काउंट इज गिवन बाय 5%, 5×2=10, 5×3=15, 5×16=21, 2160 रुपये, ये हमें डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। ओके, तो अब देखिए, हमने जो माल बेचा था हमें ये पैसा मिल रहा है, कितना मिला देखो, अब बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड आल्सो डेबिट, और जिसको बेचा था उसने अभी दिया कितना नहीं, कनिका एंड कंपनी टू सेल अकाउंट, माल मेरा कितने का बेचा, 1,08,000 का, तो ये तो अंडरस्टूड है 1,08,000, जिसमें से ये भी पता लगा कनिका एंड कंपनी को कितना, सर 64,800। आपने क्या करना, 43,200 में 2160 को लेस करना है, तो 21 में करेंगे तो ये आ गया 41,040, ये कितना आ रहा है 2,160, ठीक है करके देख लेते एक बार, 0, 6, 4, 1, 1, 2, 2, 1, 3 बिल्कुल राइट है, ठीक है, और यहाँ कितना था 64,800, सवाल कंप्लीट होगा, जोड़ कर दीजिए, इनमें जोड़ेंगे तो ये हमारा आ रहा है 27,92,000,
27,92,000। आई होप दैट आपको बहुत आसानी से समझ में आए होंगे। 1 से 12 तक आई होप दैट इलस्ट्रेशन को आप कंप्लीट अपनी नोटबुक में करेंगे और प्रैक्टिस नोटबुक में करेंगे। उससे पहले मैं आपको प्लीज़ बैंक से रिगार्डिंग कुछ एंट्री बताने जा रहा हूँ। बहुत ही सिंपलिसिटी है, ज़्यादा नहीं टाइम लगेगा आपका। बैंक रिगार्डिंग देखिए, बहुत ही सिंपलिसिटी एंट्री जिसको आप चेक पॉइंट पे देखिए। क्या है बैंक, थोड़ा सा समझा देते हैं। बैंक एक पर्सनल अकाउंट है। कैसा? आर्टिफिशियल, ध्यान देना। बैंक के पर्सनल नाम होते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ओके, देना बैंक, सिंडिकेट बैंक एट्सेट्रा। तो यहां पर आपने क्या वर्ड यूज करना, सीधा से बताता हूं। जहां आप कैश लिखते हैं वहां पर माइंड में सेट कर दो कि बैंक, अगर बैंक से ट्रांजैक्शन हुई है तो। बहुत इजी पॉइंट बता दिया आपको, बहुत इजी बात। जहां कैश वर्ड यूज किया था आपने, जैसे डेबिट वर्ड कम जी, अगर ट्रांजैक्शन बैंक से हुई है तो कैश की जगह बैंक वर्ड यूज करना है, माइंड में सेट होगा पहला पॉइंट। अब देखिए, ये बैंक है, ये आपका बिजनेस है, ध्यान देना। बैंक में ये आपका बिजनेस है, मैं रुपए डिपॉजिट करता हूं, रुपया कहाँ जाएगा बताओ? यहां से रुपया चला, यहां चलाएगा। बैंक पर्सनल था, एंट्री सुनो ध्यान से, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इज दैट क्लियर और नॉट? कैश यहां से चला, बैंक में चला गया। डेबिट द रिसीवर, बैंक ने लिया, कैश मेरा गया, पहली एंट्री। बताओ आई नहीं समझ में। अब रिवर्स एक और, अब मैं बैंक में गया, अब बैंक से मैंने रुपए लिए, मेरे को क्या मिला? कैश। देने वाला कौन है? बैंक। सर जस्ट इट द रिवर्स एंट्री, यहां रुपए मैंने जमा किया था या विड्रॉन किया? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बताओ इजियर समझ में आए कि नहीं? बैंक में रुपया जमा करने की, बैंक में से विदड्रॉन करने की। दिस इज योर बैंक, दिस इज योर बिजनेस। यहाँ से कैश चला, यहाँ गया, फिर आपने कैश लिया तो फिर बिजनेस में चला गया। तो दिस इज योर एंट्री रिगार्डिंग ऑफ द बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश एंड कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, ओके। अब नेक्स्ट ध्यान देना, अब आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। उस कैंडिडेट ने आपको चेक दे दिया, मिस्टर एक्स ने, मेरे पास चेक आया, ध्यान देना, मैं चेक उसी दिन अगर बैंक में डिपॉजिट कर दिया, नोट करना ध्यान से बात, तो ये चेक बैंक में चला गया। तो एंट्री सिंपली, बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स, देने वाला मिस्टर एक्स था, बार बार मैं कह रहा हूं कैश, वो कैश देता तो आप एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स करते। कैश की जगह क्या वर्ड यूज कर दिया? बैंक। बैंक क्यों किया? क्योंकि उसने चेक दे दिया, चेक इमीडिएटली कहां डिपॉजिट होगा? बैंक में हो गया। आई बात नहीं है समझ में? मैं चेक को बैंक में जमा कराना बोलूंगा, ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री। जहां पर आपने बैंक वर्ड यूज किया ये नहीं कर सकते, क्योंकि चेक तो आपकी जेब में है। तो यहां पर आप वर्ड लिखेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू देने वाला मिस्टर एक्स है, मैं 2 दिन बाद गया, ध्यान देना, बैंक में, बैंक लेने वाला था, बैंक अकाउंट डेबिट, क्यों क्या लेगा? चेक लेगा, टू चेक इन हैंड, ध्यान देना, बहुत ही आसानी समझा रहा हूं। बैंक टू मिस्टर एक्स, ये एंट्री इमीडिएटली बैंक में, ये नहीं हुआ, ये भी अब हो गया बैंक में जमा। देखो चेक इन हैंड, यहां पर डेबिट है, यहां क्रेडिट है, कैंसल्ड, एंट्री मेरे बेटे यही आ गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स, बताओ इससे मैचिंग कर रही है कि नहीं? कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका? एक बार रिपीट फिर कर देता हूं,
बैंक के रिगार्डिंग यही मेन एंट्री है, सिर्फ एक्सपेंसेस और इनकम की होगी। बहुत इजी, ज़्यादा वो नहीं करना। आपकी बुक में बहुत लंबी चौड़ी एंट्रियाँ दे रखी हैं, उन एंट्रियों को सारी को मैंने सिर्फ दो तीन हिस्सों में बांट दिया। एक जमा करने की थी, एक चेक रिसीव्ड की थी। देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स लिखा, चेक इमीडिएटली बैंक में जमा होगा। जब नहीं हुआ तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। और लास्ट एंट्री और बता रहा हूँ मैं, अगर हम चेक से ही किसी की पेमेंट करते हैं, जैसे रेंट दिया, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश की जगह क्या वर्ड लिख देंगे? बैंक, क्योंकि हमने चेक से पेमेंट किया। और चेक से हमें कोई पेमेंट मिले तो बैंक अकाउंट डेबिट, जैसे मुझे इंटरेस्ट मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। ओके, दिस इज एक्सपेंसेस रिगार्डिंग, दिस इज इनकम, खत्म। बैंक सी एंट्री, जितनी भी एंट्री थी बैंक रिगार्डिंग, क्या है? फर्स्ट डिपॉजिट एंड विड्रॉन, सेकंड चेक रिसीव्ड, सेम डे बैंक में डिपॉजिट हुआ या नेक्स्ट डे, और तीसरी एक्सपेंसेस और इनकम की। यहां एक और बता देता है, एक वर्ड आएगा जो बिल ऑफ एक्सचेंज में पढ़ोगे, डिसऑनर। डिसऑनर क्या होता है? अपमान करना किसी का, डिसऑनर, अपमानित। चेक अगर डिसऑनर होगा, आपने कुछ नहीं करना। बहुत ही इजी पॉइंट, रिवर्स एंट्री करनी आती है, जो भी चेक डिसऑनर हो जाए, जो एंट्री हो रही है उसको रिवर्स कर देना। ओके, दिस इज योर कंसेप्ट बैंक रिगार्डिंग। आपका अब होमवर्क क्या होगा? होमवर्क इलस्ट्रेशन 1 to 12, एक्सरसाइज 1 to 12, दिस इज द प्रैक्टिस नोटबुक, दिस इज योर फेयर नोटबुक, एंड ट्रांजेक्शन्स जितनी भी जनरल एंट्री रिगार्डिंग ऑफ द बैंक, इन एंट्रियों को आपने लिख के देखना है। कोई एंट्री बैंक रिलेटेड अगर आपको समझ नहीं आ रही है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट माई व्हाट्सएप नंबर 9416586639। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, थैंक यू।